बताना है कि हम सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर क्लिक करना है फिर सर्च में जाके आपको एम एम आई एस एस आई एन जी मिसिंग वोटर्स टाइप करना है वी ओ टी ई आर एस और जैसा आप सर्च बटन बताएंगे आपको ऐप आप दिख जाएगा आपको इंस्टॉल बटन क्लिक करके इंस्टॉल करना है क्योंकि हम लोगों ने इंस्टॉल हम लोगों ने ऐप को क्लिक किया है सबसे पहले अगर जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है इसलिए आप न्यू यूज़र रजिस्टर बटन को क्लिक कीजिए यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए नाइन थ्री वन थ्री एट सेवन नाइन वन थ्री एट और आपको सबमिट बटन क्लिक करना है आपको एक ए टी ओ टी पी आ जाएगा यहाँ पे आपको ओ टी पी एंटर करना है आपके रजिस्ट्रेशन पेज दिखाई देगा यहाँ पे आपका नाम अबू रागिब पासपोर्ट रख लीजिए आपको याद रखना है पासपोर्ट और यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कीजिए और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कीजिए और आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है यहाँ पे आपको आपके कॉन्स्टिटुंसी के जो दूसरे यूजर्स जो इस ऐप को इंस्टॉल किए हैं उनके नाम दिखेंगे आप सिर्फ रजिस्टर बटन क्लिक कीजिए आपका रजिस्टर्ड हो गया है अभी आप जो मोबाइल नंबर आपसे आपने रजिस्टर किया था वन थ्री एट सेवन नाइन वन थ्री एट और आपने जो पासपोर्ट दिया था पासवर्ड उसको एंटर कीजिए रिमेंबर मी एक बार क्लिक कीजिए इससे आपको अगली बार जब आएंगे तब आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ आप मिसिंग वोटर्स बाय पोलिंग बूथ क्लिक कीजिए यहाँ पे आपको आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम पोलिंग बूथ और एक पोलिंग बूथ में जितने घर हैं वो घर दिख जाएंगे आप कोई भी एक पोलिंग बूथ पर क्लिक कीजिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के गली और गली में कितने घर दिखे हैं दिख जाएंगे मिसाल के तौर पे गली नंबर छः सी ब्लॉक भजनपुरा में 94 फोर लोग हैं इसी तरह से गली नंबर सेवन और गली नंबर एट आप एक गली को क्लिक कीजिए तो उस गली में कितने घर हैं और एक घर में कितने वोटर हैं दिख जाएंगे अब यहाँ देखिए सी वन फोर्टी नाइन वन फोर्टी नाइन ए में दो वोटर है सी वन ए में चार वोटर हैं आप उन घरों पे जाइए जिसमें एक ही वोटर है आप उन घर पे जाके उनको पूछेंगे कि क्या इनसे इनके अलावा कोई दूसरे रजिस्टर वोटर घर पे अवेलेबल हैं अगर हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप उनका कार्ड अप्लाई फ़ॉर वोटर आई बटन क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर वोटर आई बटन क्लिक कीजिए यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिटुंसी सेलेक्ट कीजिए उनका असम्बली कॉन्स्टिटुएंसी सेलेक्ट कीजिए फिर एज प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उनको पूछिए इन तमाम डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट फिफ्थ एट्थ और टेंथ लिस्ट पासपोर्ट पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड अगर उन्होंने कहा कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक कीजिए अपलोड एज प्रूफ क्लिक कीजिए कैमरा बटन क्लिक कीजिए ऑटोमेटिकली आपको उन कार्ड अपने हाथ में रखिए और कैमरा फोकस करके ओके बटन क्लिक कर दीजिए वो अटैच हो जाएगा इसी तरह से एड्रेस प्रूफ एड्रेस प्रूफ में इंडियन पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस बैंक और पोस्ट ऑफिस पासबुक रेशन कार्ड इनकम टैक्स असेसमेंट वाटर बिल टेलीफ़ोन बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस कनेक्शन बिल ये पूरे एक्सेप्ट करते हैं देखिए यहाँ ये ध्यान में रखिए ये बिल आपके नाम पे रहना ज़रूरी नहीं है मिसाल के तौर पर आप किराए के मकान में रहते हैं आप एड्रेस प्रूफ के लिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं जिस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मकानदार के नाम पे हो फिर आप अपलोड क्लिक कीजिए कैमरा बटन को क्लिक कीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने हाथ में रखिए और ओके okay बटन क्लिक कर दीजिए फिर ओके okay क्लिक कर दीजिए इसी तरह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर उनके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है तो आप कहीं दीवार या पीछे जो प्लेन बैकग्राउंड है वहाँ उन्हें ठहरा के उनकी भी फोटो ले सकते हैं जैसे ही आप लोग ले लेंगे फिर यहाँ पे उनका फुल नेम एंटर करना है उनका गार्डियन नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है अगर आपको पता है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सी है तो पोस्ट ऑफिस का नाम आप एंटर कीजिए उनका फ़ोन नंबर एंटर कीजिए गार्डियन और वोटर का रिलेशन एंटर कीजिए और सबमिट कर दिए बस देखिए दो मिनट में आपने एक वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर दिया है अगर आप स्टेटस में जाके देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस बताएगा फिर हैदराबाद में जो हमारी टीम है वो टीम इसी वोटर कार्ड को आपके डिटेल्स को लेगी और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में फॉर्म फिल करेगी जैसा ही फॉर्म फिल हो जाएगा जो इलेक्शन कमीशन वेबसाइट से जो ट्रैकिंग नंबर आता है वो ट्रैकिंग नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा और जिस दिन बी एल अपॉइंट हो जाएगा वो बी एल डेट आपको दिख जाएगा और जिस दिन अपलिकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा वो अपल्लीकेशन एक्सेप्टेड डेट भी यहाँ पर दिख जाएगा और स्टेटस में एक्सेप्टेड दिख जाएगा तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर स्टेज में आपका वोटर कार्ड को हम लोग देखते रहे और आपका वोटर कार्ड मिले तक आपके साथ उस एप्लीकेशन को अगर ज़रूरत पड़े तो पुश करते रहे इस ऐप को अभी तक एक लाख चालीस हज़ार लोगों ने डाउनलोड किया है आप रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं यहाँ पे आप स्टेट वॉल्टियर लैंक क्लिक कीजिए आपको मालूम होगा कि रमेश कुमार जो साउथ डिल्ली बिचवासन के हैं उन्होंने 29 लोगों का वोटर कार्ड अप्लाई किया है काशिफुर रहमान ने 20 लोगों का वोटर कार्ड अप्लाई किया है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं हैं ये तमाम आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारी को समझा और अपने गली के अपने पोलिंग बूथ के अनरजिस्टर्ड वोटर्स को अप्लाई किया अभी आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप हफ्ते में दो घंटे इस प्रोग्राम पे स्पेंड कीजिए ताकि लाखों करोड़ों वोटर्स जो वोटर इससे गायब है वो सिस्टम में वापस आ सके आपसे और एक अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ शेयर ऐप का बटन है आपकी ज़िम्मेदारी है आप शेयर ऐप बटन क्लिक कीजिए जैसा ही आप बटन क्लिक करेंगे आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर दिख जाएंगे आप व्हाट्सएप क्लिक करके ये ऐप का मैसेज आप अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कर सकेंगे शेयर कर देंगे देखिए इस तरह से मैसेज आपका चले जाएगा जिसमें ये एक एंड्रॉयड यूजर्स को डाउनलोड करने की लिंक भी रहेगी एप्पल यूजर्स के डाउनलोड करने की लिंक रहेगी ट्रेनिंग की लिंक भी रहेगी और मिसिंग वोटर्स ऐप का टोल फ्री नंबर भी रहेगा जी बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए